हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग आज पता कहाँ जा रहे हैं। जगन्नाथ यात्रा निकली है, सो हम लोग जा रहे हैं। हम जी रोहिणी और मयंक बस से जा रहे हैं, और दीदी चाची और पलक वो लोग ऑटो से आएंगी। सो हम लोग बातें करके मस्ती करके जा रहे हैं। ये देखिए, सो फैमिली में इतना ही कहूँगी कि पूरी वीडियो ज़रूर देखना और वीडियो स्किप ना करना, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा बहुत दूर से आती है ये, और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और ये देखिए चाची अच्छी सब ऑटो से उतर चुकी हैं, और हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। और आगे अब हम लोग आपको दिखाते हैं, तुम लोग मुझे तो ब्लॉग बनाना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी तो यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, अच्छा सा सजावट नहीं दिख रही होगी। अभी आगे चल के देखते हैं। और पीछे जब मैं थी ना तो कितनों शोर भी था, आप लोगों ने शायद ब्लॉग में देखा होगा। तो ये देखिए कितना बड़ा ये, अरे ये होटल है तो क्या? हाँ ये होटल है, होटल है। तो हमारी मासी आई है जो ब्लॉग बनाती है जिनकी आइडिया से, और मैं आई हूँ। तो गाइस देखो आज मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छे से बताओ बस अपनी लिपस्टिक मत लगाओ इधर। ये देखिए ये हमारी छोटी नानी आई है, ये हमारी मम्मा आई है, ये मेरी मम्मी है, और ये हमारा रोहिणा जीजा ही होने बनाए हैं, काफी हेल्प कर रहा है। ये मेरे पापा हैं, हां तुम्हारे ही पापा हैं, गुगुड़ू है हमारा भाई, इनके ही पापा हैं। ये देखिए फैमिली कितनी भीड़ है, आप देखो जहाँ तक आप लोग देख सकते हैं वहाँ तक देखिए, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, हर कोई राधे कृष्ण राधे कृष्ण, मतलब सब इतना मानते हैं यार। अभी तक तो मुझे लगता था अरे हम ही लोग नहीं, काफ़ी लोग, बट यहाँ पे देखिए पूरा जैसे वृंदावन मथुरा यहीं पे उतर आया है। और ये मैं बता दूँ कहाँ पे था, लुधियाना में। मैं दीदी के घर गई थी ना, तो पलक के बर्थडे के दूसरे तीसरे दिन ये था, तो मैंने कहा वीडियोज़ क्यों ना मैं आप लोग के लिए भी वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइस आप लोग भी इंजॉय करिए, और अपने अपने घर से आप लोग मत्था टेक सकते हैं। देखिए दीदी जी खड़े हैं सब लोग, मतलब पीछे थे बच्चे थे छोटे छोटे, क्योंकि हम थोड़ा पीछे थे क्योंकि भीड़ बहुत जाती थी, एक घंटे धक्का आता था जब रात आगे को आती थी। देखिए गाइस जैसे जैसे रथ आगे आ रहा है, इतना भीड़ कि हम लोग को ऐसा धक्का लग रहा था कि हम सब लोग पीछे, हमें तो लग रहा था मेरी जिसको ऊपर गिर जाएंगे, पर मुझे लग रही थी अपने फोन की, अरे यार मेरा फोन अगर इधर उधर गिर गया ना 5 मिनट्स लेटर खत्म हो जाना था। पर शायद पुलिस फोर्स भी लगी थी काफ़ी, मतलब 3 साल
लड़कियाँ लड़कियाँ सब लोग लड़के हर कोई उसमें मगन था। देख सकते कितना सब इंजॉय कर रहे हैं। विदेशी लोग आए हैं, देखिए वो कितना अच्छा मतलब डांस कर रहे हैं, सारे घर के देखिए कितनी रौनक लगा रखी है उन्होंने, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि सच में दिल ही नहीं कर रहा था कि आज घर को वापस आए। इतना इंजॉय पूरी रात मतलब इतना अच्छा सब और बहुत इंजॉय किया। कपड़े चेंज और रात हो गई है काफ़ी 10:30 मतलब हम लोग आ गए थे 8:30 तक घर आ गए थे तो वीडियो बनाया। ये देखो मैंग लेटा हुआ है, ये टीवी देख रहे हैं और इनको हमें ऑटो मिला था और इनको ऑटो में बहुत नींद आ रही थी तो इनकी सुन लीजिए।
और मैं भी अपने कान्हा जी को बोल रही हूँ। सभी लोग वहाँ पे कान्हा जी को लाए थे और मैं लाना भूल गई थी। इतनी बेवकूफ थी कि मैं लाना भूल चुकी थी। मुझे क्या पता था वहाँ इतनी भीड़ थी। अच्छा कि हमारी लेके गई थी। इतनी भीड़ थी कि मैं खुद ही धक्का खाके गिर गई थी। और मैं आपको बता दूं, इनको बहुत कुछ मिला वहाँ खाने को, कढ़ी चावल, कोल्ड ड्रिंक, खीर, चने, पूड़े, मतलब बहुत कुछ मिला था। सो बेटा लाइट ऑन करो ना, लाइट ऑन करो। ये पता नहीं क्या क्या अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा था सब कुछ, बहुत ही अच्छा था और बहुत मज़ा आया हम लोगों को। सो गाइस, हमने बहुत इन्जॉय किया और कल मैं हम लोग चले जाएंगे। फिर दो दिन बाद ये लोग भी आएंगे क्योंकि इन लोग का स्कूल है। अभी टू डेज़ बाद ये लोग कपूरथला आ जाएंगे क्योंकि इन लोग की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। सो वहीं आएंगे। एंड गाइस, प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू। हाँ, एक मिनट वेट। हाँ दिखाओ। अरे अरे, आराम से बेटा, आराम से। ये वहाँ से मिले थे, इनको मिला। इतनी चीजिए अगर ठीक है। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही ब्लॉग काफ़ी। ओके, बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।